अहमदाबाद के साबरमती नदी जिसने गुजरात के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कई बदलाव होते हुए देखे हैं, क्या मानते हैं क्यों ये बदलाव संभव हो पाएंगे? इसकी एक सबसे बड़ी वजह है आपका वोट, क्योंकि आपका वोट ही तय करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। और आइए आज चल के अहमदाबाद के लोगों से बात करते हैं कि वो अपने इस वोटिंग के अधिकार को लेकर के कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं। इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप कितने उत्साहित हैं इस बार? मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। सब काम छोड़ के पहले मैं वोट करने जाऊंगा, फिर जलपान करूंगा। आपका एक वोट भी किसी को भी जीता सकता है और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, वो आपके एरिया के लिए, आपके देश के लिए भी बहुत अच्छा है। हर 5 साल हमें एक मौका मिलता है जब हम एक चेंज को ला सकते हैं, तो आई थिंक ये किसी को मिस नहीं करना चाहिए। जो भी हम अपने आप को या इंडिया को जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले वोट करें। अपने हक के लिए आपकी फ़र्ज़ अदा करना बहुत ज़रूरी है, और आप ये जो फ़र्ज़ अदा करने वाली जो बात है, ये बात आपको वोटिंग से ही आपकी फ़र्ज़ आप अदा कर सकते हो। मैं सोचती हूँ कि ये लोकशाही का उत्सव है, उसमें सबको भाग लेना चाहिए और अपना जो हक है वो यूज़ करना चाहिए। मैं 7 मई को वोट करने जाऊँगी, यहाँ गुजरात में इलेक्शन है 7 मई के, आप लोग भी ज़रूर वोट करिए, क्योंकि वोट आपका हक है तो आपको वो निभाना भी चाहिए। इट्स अ राइट एंड अ ड्यूटी बोथ टुगेदर। मैं किसको देता हूँ वो, किसको देता हूँ वो नहीं, हम साथ में मिलकर जिसको देना है वो दे, मगर वोट करना जरूरी है क्योंकि हमारा अधिकार 5 साल के बाद आता है। मेरी तो सभी से, स्पेशली लेडीज से, एक लेडी होने के नाते कि अपने को जरूर से वोट देना चाहिए, और हम लोग आगे आएंगे तो हमेशा अपनी जो हम चाह रहे हैं वो सब कुछ अपने को मिलेगा। जो एक वोट की ताकत है, लोग वोट देते हैं और एक अच्छे नेता को चुनते हैं, जो विजनरी नेता होता है उससे यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मैं सारे काम साइड में करके वोट देने जाऊँगा, वोट दे के आऊँगा। सब काम छोड़ के पहले मैं वोट करने जाऊँगा, वोट जरूर करना है। जो भी है वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटिंग विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन 7th ऑफ मे दिस ईयर। वोट जरूर करना चाहिए, 100% वोट। पैसे की जितनी जरूरत पड़ती है उतनी एक वोट की भी जरूरत पड़ती है। तेरे एक वोट से मिलेगा देश को सपोर्ट, वोट वोट वोट, सोच समझ के करना वोट। जो तूने न किया वोट, देश को पड़ेगी वोट, वोट वोट वोट, सोच समझ के करना वोट।